वेलकम अगेन ऑल ऑफ यू। आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 8.3 के कुछ इंट्रोडक्शन के। पहले इंट्रोडक्शन के अंदर क्या है जी, एक चीज आपने देखी होगी कि एग्जांपल लेके चलते हैं, साइन 60 की वैल्यू कितनी थी। साइन 60 की वैल्यू टेबल से अगर आप चेक करोगे तो साइन 60 था √3/2, और कोस 30 की वैल्यू कितनी थी √3/2। यानी कि एक चीज़ नोटिस करो आप कि साइन 60 इज इक्वल टू किसके बराबर है जी, कोस 30 के इक्वल है। यहाँ तक कोई डाउट आप? ठीक है, ये लिखा साइन 60 यूं का यूं बराबर, इस कोस 30 डिग्री को क्या लिख सकता हूँ मैं, 90 - 60 लिख सकता हूँ क्या? 90 - 60 करोगे तो कितना बचेगा, 30। तो ये भी लिख सकते हैं, यानी कि यहाँ साइन इस 60 को मैं मान लूँ थिट्टा, तो साइन थिट्टा बराबर क्या बनेगा, कोस 90। 60 को क्या माना था आपने, थिट्टा। तो यानी एक फॉर्मूला बन गया, साइन थिट्टा इज इक्वल टू कोस 90 - थिट्टा। तो एक फॉर्मूला आपका बन गया है कि साइन, यहाँ फॉर्मूला लिख देता हूँ जी, कि साइन थिट्टा इज इक्वल टू कोस 90 - थिट्टा जी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं जी हम। अब देखो, अभी अभी यही था आपके पास है कि साइन 30 इज इक्वल टू है आपका, सॉरी साइन 60 इज इक्वल टू है कोस 30 डिग्री। तो क्या इधर भी तो चेंज कर सकते हैं हम, इधर लिख सकते हैं साइन 60 को क्या लिख सकते हैं, 90 - 30 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। 90 में से 30 घटाओगे तो कितना बचेगा, 60। ठीक है, इज इक्वल टू ये हो जाएगा कोस 30, ये होगा साइन। अब 30 को थिट्टा मान लो, 90 - थिट्टा बराबर क्या बन जाएगा, कोस, और 30 को क्या माना आपने, थिट्टा। यानी एक और फॉर्मूला बन गया आपके पास है कि कोस थिट्टा किसके बराबर होगा, फिर कोस थिट्टा बराबर होगा साइन 90 - थिट्टा के बराबर होगा। कोई डाउट यहाँ तक? ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं जी हम। इसी तरह आप और भी कंपेयर कर सकते हो, तो मैं डायरेक्ट फार्मूले देता हूँ आपके पास। दो फार्मूले बन गए हैं जी, दो फार्मूले क्या बने आपके, कि पहला नोट कर लो सारे सारे कि साइन थीटा बराबर किसके होता है, कोस 90 - थीटा। यहाँ थीटा होगा तो यहाँ 90 - थीटा होगा, ये ध्यान रखना जी। यहाँ 30 डिग्री होगा तो यहाँ 90 - 30 डिग्री होगा, यहाँ 45 है तो 90 - 45 होगा, यहाँ 60 है तो 90 - 60 होगा जी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट होगा कोस थीटा बराबर क्या होगा, साइन 90 - थीटा। इसके बाद थर्ड पार्ट पे चलते हैं हम। थर्ड पार्ट क्या होगा आपके पास, इसी तरह और फॉर्मूले भी बनेंगे आपके। इसी तरह सीकेंट थिट्टा का फॉर्मूला लिखना चाहो तो आपके पास बनेगा कोसिकेंट 90 - थिट्टा। इसी तरह आप लिखना चाहो कोसिकेंट थिट्टा का फॉर्मूला तो वो आपके पास बनेगा सीकेंट 90 - थिट्टा। इसी के बाद पाँचवा पार्ट इसी तरह बनेगा आपका, टेन थिट्टा का फॉर्मूला क्या होगा, कोट 90 - थिट्टा। और आपके पास कोट थिट्टा का फॉर्मूला क्या होगा जी, 10 - 90 - थिट्टा। ये फॉर्मूले होंगे जी 6 के 6। ठीक है, तो ये आप वीडियो को पॉज करके लिख सकते हो जी, नोट जरूर कर लेंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं जी क्वेश्चन के ऊपर। ये था इसका इंट्रोडक्शन का पार्ट। अब हम 8.3 के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे जी, स्टार्टिंग से कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका क्या कह रहा है जी। ठीक है, तो अब 8.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो जी क्या है आपके पास। साइन 18 डिग्री और डिवाइड बाय कोस 72 डिग्री। साइन 18 डिग्री डिवाइड बाय कोस 72 डिग्री। देखो जी पहला क्वेश्चन, साइन 18 डिग्री डिवाइड बाय कोस 72 डिग्री। सबसे पहले आपको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ये क्वेश्चन को हम वैल्यू से सोल्व करें, यानी जैसे हमने 8.2 में भी तो सोल्व किया था कुछ है, तो 8.2 के तरीके से सोल्व करेंगे, 8.3 के तरीके से सोल्व करें। तो हमेशा ध्यान रखना, क्या साइन 18 की टेबल में वैल्यू होती है आपके पास, नहीं होती ना, नहीं 72 की टेबल में वैल्यू होती है। इसी तरीके से सोल्व होंगे, एक को चेंज कर लो, किसी को चेंज कर लो, मैं ऊपर वाले को चेंज नहीं कर रहा, ऊपर वाला साइन 18 डिग्री लिख दिया मैंने यूं का यूं। नीचे वाला क्या लिखूँ मैं, कोस 90 में से 72 लिखना है यहाँ पर, वैल्यू चेंज नहीं कर रहे हम, 90 में से अगर हम 18 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 72। कोस का कोस लिखा, 90 में से 18 घटा दिया, बचेगा कितना, 72। अब देखो ऊपर हो गया साइन 18, इसी तरह कोस 90 माइनस, इसको अगर मैं थिट्टा मानूँ, देखो कंपेयर करके बताता हूँ, कोस 90 - थिट्टा का फॉर्मूला अभी बताया था कितना होता है, साइन और थिट्टा होता है, थिट्टा कितना है यहाँ पर 18 डिग्री,
थीटा कितना माना आपने 18, तो ये कैंसिल हो जाएगा, कितना आंसर आएगा आपके पास है 1, आंसर हो जाएगा जी 1। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर सेकंड के ऊपर। 10 26 डिग्री डिवाइड बाय कोट 64, सेकंड पार्ट देखो जी। 10 26 डिग्री डिवाइड बाय कोट 64 डिग्री, ठीक है, ये क्वेश्चन आपके पास है जी। 10 76 डिवाइड बाय कोट 64, इसमें चेक करो जी आप, सेम वही प्रोसीजर रहेगा, ऊपर वाला मत चेंज करो जी। 10 76 का 26 डिग्री लिख लिया, कोट 64 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 90 माइनस 26 घटाओगे, 90 में से 64 बचेगा, नहीं बचेगा, वैल्यू चेंज नहीं की, 64 की जगह क्या लिख दिया आपने 90 माइनस 26, ऊपर वाला तो बचेगा 10 26 डिग्री यूं का यूं, नीचे होगा कोट 90 माइनस थीटा, कोट 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, 10 थीटा के बराबर हो, थीटा कितना है यहाँ पर 26 है डिग्री, ये से ये कैंसिल हो जाएगा जी, कितना आंसर आएगा इसका भी 1 आंसर आ जाएगा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोस 48 माइनस साइन 42, अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो वीडियो को बार बार देखते रहें जी, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास कोस 48, कोस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री, तो एक को चेंज कर लो, एक को चेंज ना करो, कोस 48 डिग्री यूं का यूं लिख लिया मैंने, माइनस साइन, इस 42 को क्या लिख सकता हूँ, 90 माइनस 48 करोगे तो 42 बचेगा कि नहीं बचेगा, अब आगे चलो जी, कोस 48 डिग्री तो ये यूं का यूं हो गया, साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, कोस थीटा के बराबर, थीटा कितना है यहाँ पे 48, तो साइन कोस 48 माइनस कोस 48 आंसर कितना आ जाएगा आपके पास है 0, कितना आ जाएगा जी 0, समझ आ गई आपको यहाँ तक बात। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं जी हम, फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है जी, कोस सेकंड 31 डिग्री माइनस सेकंड 59 डिग्री, माइनस सेकंड 59 डिग्री, इसको चेंज, इसको देखना जी, तो एक चीज़ देखो यहाँ पर, एक को तो चेंज ना करो, एक को तो यूं का यूं लिख लिया 31 डिग्री माइनस सेकंड 59 कैसे बनेगा, 90 में से 31 घटा दो चाहिए, 90 में से 31 घटाओगे 59 बचेगा नहीं बचेगा, तो ये कोसेकेंट आपने यूं का यूं लिख दिया 31 माइनस सेकंड 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, कोसेकेंट थीटा के बराबर हो, थीटा कितना यहाँ पे 31, तो कोसेकेंट 30 माइनस कोसेकेंट 30 आंसर कितना आ जाएगा 0, तो आंसर कितना रहेगा जी आपके पास है 0, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अब हम चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर सेकंड के ऊपर, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो जी क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है 10 48 डिग्री 10 23 डिग्री 10 42 डिग्री और 10 57 डिग्री, इसकी वैल्यू बताओ जी, इसकी वैल्यू प्रूव करनी है कि एक आएगी क्या, इसकी वैल्यू क्या करनी है आपको, प्रूव कितनी आनी चाहिए एक, तो एक काम करो, दो को चेंज ना करो, दो को चेंज कर लो, ये हो गया 10 48 डिग्री 10 23 डिग्री, मैंने दो को चेंज ही नहीं किया, दो तो यूं के यूं लिख लिए, इसको चेंज करो 10 42, 42 को आप क्या लिख सकते हो, 90 माइनस 48 करके देखो, 90 में से 48 घटाओगे कितना बचेगा आपके पास 42 10, 57 क्या होगा 90 माइनस 23, 90 माइनस 23 करोगे कितना बचेगा 57, यहाँ तक कोई डाउट, दो तो मैंने यूं के यूं लिख दिया, 10 यूं का यूं लिखा, 42 को क्या लिख सकते हैं हम, 90 माइनस 48 करोगे कितना आएगा 42, 90 माइनस 23 करोगे कितना आएगा 57, आगे चलो जी, ये होगा 10 48 डिग्री, ये होगा 10 23 डिग्री, 10 90 माइनस थीटा, 10 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, कोट थीटा के बराबर, थीटा कितना यहाँ पे 48 डिग्री, 10 90 माइनस थीटा तो कोट थीटा, थीटा कितना यहाँ पे 23 डिग्री, यहाँ तक कोई बात। अब एक चीज़ देखो, चारों को चारों मल्टीप्लाई, मेरे मल्टीप्लाई में आगे पीछे कर लो, वैल्यू चेंज, साइन चेंज ना करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे एग्जांपल ले लो आप, 2 × 3 × 4 करो तो 2 × 3 = 6, 6 × 4 कितना होगा 24, मैं 2 × 4 × 3 करूँ तो आगे पीछे कर दिया तो 4 × 8, 8 × 3 भी कितना रहेगा 24, तो आगे पीछे करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ध्यान देखो 10 48 तो यूं का यूं लिखा, कोट 48 को मैंने आगे लिख दिया, फिर मैंने लिखा 10 23, फिर क्या लिख दिया मैंने कोट 23, यहाँ तक कोई डाउट जी। अब एक चीज़ समझो, 10 48 कोट थीटा किसके बराबर होता है जी, 1/10 थीटा के, 10 थीटा का उल्टा कर देंगे तो कोट थीटा बनेगा कि नहीं बनेगा, तो कोट का उल्टा कर दो तो क्या बन जाएगा आपके पास है 10 48, 1/10 48 लिख सकते हो,
10 23 को यूं का यूं लिखा, इस कोट को क्या लिख सकते हैं हम, 1/10 23, 10 23 से 10 23, 10 48 से 10 48, 1 1 1 सारे बच गए, तो 1 × 1 × 1 करोगे आंसर कितना आ जाएगा आपके पास है 1। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट देखो जी, कोस 38 डिग्री क्या लिखा हुआ है, कोस क्वेश्चन सेकंड का सेकंड पार्ट क्या लिखा हुआ है जी, कोस 38 डिग्री ठीक है, और कोस 52 डिग्री, कोस 52 डिग्री माइनस क्या लिखा हुआ है, साइन 38 डिग्री ठीक है, और साइन 52 डिग्री, इसकी वैल्यू कितनी होती है, जीरो। ये बात आपको क्या करनी है जी, प्रूव करनी है। तो एक काम करो, कोस 38 को तो कोस 38 लिख लो, लिख लिया, एक को चेंज ना करो, कोस 38 ये हो गया कोस 52, कर लिया जी आपने, माइनस साइन 38 को क्या लिख सकते हो, साइन 90 माइनस 52 करोगे तो शायद 38 बचेगा कि नहीं बचेगा जी, बोलो बचेगा कि नहीं बचेगा, बचेगा जी। साइन 52 का बचेगा, साइन 90 में से मैं 38 घटा दूं तो बचेगा कि नहीं बचेगा, बोलो 90 में से 38 घटाओगे 52 बच जाएगा, 38 का बचेगा 90 में से 52 घटा दो, तो इसको ऐसे लिखा, इसको ऐसे लिखा, इसको साइन का साइन लिख दिया, 38 को 90 माइनस 52, साइन का साइन 52 को 90 माइनस 38। अब आगे बताओ, ये हो गया कोस 38 डिग्री, ये हो गया कोस 52 डिग्री, माइनस साइन 90 माइनस थिट्टा किसके बराबर होता है, कोस थिट्टा के बराबर, थिट्टा कितना है यहाँ पर 52, साइन 90 माइनस थिट्टा किसके बराबर होगा, कोस के बराबर, और कितना है 38। अब ये चीज़ देखो जी, ये दोनों मल्टीप्लाई में, ये दोनों मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई में आगे पीछे कर दे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसको लिखा कोस 38 कोस 52 माइनस, इसको आगे पीछे कर ले, कोस 38 को मैंने आगे लिख लिया, कोस 52 को मैंने पीछे लिख लिया जी। अब एक चीज़ देखो, ये कोस 52, ये कोस 52 है, तो ये दोनों सेम क्वांटिटी है, तो घटाओगे तो आंसर कितना आ जाएगा आपके पास है, जीरो। कितना आंसर आ जाएगा जी, जीरो। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट। अब हम चलते हैं जी नेक्स्ट के ऊपर, थर्ड क्वेश्चन आ गया जी। अब आपका कौन सा क्वेश्चन आ गया जी, थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन देखो क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड कर रहा है, इफ 10 2a इज इक्वल टू, 10 2a इज इक्वल टू कोट a माइनस 18 डिग्री, a माइनस 18 डिग्री, वेयर 2a इज एन एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल का मतलब 90 से कम है जी, फाइंड द वैल्यू ऑफ a, किसकी वैल्यू निकालनी है आपको, a की वैल्यू निकालनी है। तो एक काम बताओ, ये होगा 10, इसको मान लिया मैंने थीटा, क्या मान लिया मैंने इसको थीटा, तो आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा 10 थीटा किसके बराबर होता है, कोट 90 माइनस थीटा के बराबर होता है। अब मैं थीटा की जगह 2a लिख रहा हूँ, कितना लिख रहा हूँ 2a, तो 10 2a, ये रफली काम आपका, 10 2a कोट, यहाँ क्या लिखोगे 90, थीटा की जगह क्या लिखोगे फिर आप, इधर भी 2a, यानी 10 2a की जगह हम क्या लिख सकते हैं, कोट 90 माइनस 2a लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, तो इस 10 2a की जगह मैंने लिख दिया कोट 90 माइनस 2a, इधर वाले को यूं कर रखा कोट a माइनस 18, कोई डाउट जी यहाँ तक, कोट से कोट कैंसिल हो गया, बच क्या गया आपके पास, 90 माइनस 2a इज इक्वल टू a माइनस 18, यहाँ तक कोई डाउट जी। अब इस 2a को इधर ले आओ, किसका हो जाएगा प्लस का, a और 2a कितने हो गए 3a, a और 2a कितना हो गया 3a, अब इस 19 को इधर ले जाओ तो 19 इसमें क्या हो जाएगा प्लस, 18 इधर लेके आओगे प्लस हो जाएगा, 90 और 18 कितना हो जाएगा 108, हमें a की वैल्यू चाहिए 108/3, काटो जी 3 3 9 एक बचेगा 3 6 7, यानी कि a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 36 डिग्री, तो a इज इक्वल टू हो जाएगा 36 डिग्री, क्लियर ये बात। अब हम चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर फोर, क्वेश्चन नंबर फोर क्या कर रहा है, 10a इज इक्वल टू है कोट b, क्या कह रहे जी, 10a इज इक्वल टू है क्वेश्चन नंबर फोर, 10a इज इक्वल टू है कोट b, कोई दिक्कत नहीं है, 10a इज इक्वल टू कोट b मानते हैं हम ठीक है,
प्रूव दैट करना है कि प्रूव करना है कि ए प्लस बी का मान 90 डिग्री आना चाहिए। तो अभी अभी आपने अभी तो किया था ऐसा इक्वेशन कि टेन थीटा को आप क्या लिख सकते हो, कोट 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं ना जी। तो टेन का लिखा, टेन थीटा की जगह लिख दिया मैंने ए, तो ये आ जाएगा कोट 90 माइनस क्या आ जाएगा ए। तो टेन ए बराबर क्या आ जाएगा, कोट 90 माइनस ए। तो टेन ए की जगह लिखो कोट 90 माइनस ए बराबर यहाँ क्या आ जाएगा, कोट बी। कोई डाउट जी, कोट से कोट कैंसिल हो गया, 90 माइनस ए इज इक्वल टू बी हो गया। इस ए को इधर ले आओ, किसका हो जाएगा प्लस का, तो ए प्लस बी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 90 डिग्री। ये था क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, हो गया जी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है जी, सीकेंट 4a इज इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर 5 देखो जी, सीकेंट 4a इज इक्वल टू कोसीकेंट a माइनस 20 डिग्री। कोसीकेंट a माइनस कितना है जी, 20 डिग्री। वेयर 4a इज एन एक्यूट एंगल, 4a एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल इसलिए लिया क्योंकि जो एंगल होता है ना 90 माइनस थीटा, वो 90 में से तभी घट सकता है जो 90 से कम हो, और एक्यूट वही होते हैं जो 90 से कम हो, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको ले कोई टेंशन नहीं लेनी है, एक्यूट एंगल क्यों दिया है। फाइंड द वैल्यू ऑफ a, आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, a की। मैंने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, सीकेंट थीटा बराबर होता है मेरे पास कोसीकेंट 90 माइनस थीटा। अब मैं थीटा की जगह ए लिख रहा हूँ, थीटा की जगह क्या लिख रहा हूँ ए, तो इधर क्या आएगा, कोसीकेंट 90 माइनस ए आएगा कि नहीं आएगा जी। इधर ए लिख दिया थीटा की जगह, इधर भी ए लिख दिया, तो अब मैं सीकेंट ए नहीं लिख रहा, मैं सीकेंट 4a लिख रहा हूँ। तो यहाँ 90 माइनस क्या आ जाएगा, 4a, 90 माइनस क्या आ जाएगा जी, 4a। तो लिखो सीकेंट 4a को आप क्या लिख सकते हो, कोसीकेंट 90 माइनस 4a लिख दिया जी। इधर क्या होगा, कोसीकेंट a माइनस 20 डिग्री, कोसीकेंट से कोसीकेंट कैंसिल हो जाएगा, 90 माइनस 4a बराबर कितना हो जाएगा, a माइनस 20। 4a को इधर लेके आओ, किसका हो जाएगा प्लस का, 4a और 1a और हो गया कितना हो गया 5a। इस 90 को इधर ले जाओ, 90 और 20 कितने हो जाएंगे, 110। a की वैल्यू निकालो, 110 बटा कितना हो जाएगा 5, 110 बटा कितना होगा 5, 5 से काटो 22 पे कट जाएगा, तो a की वैल्यू कितनी डिग्री आ जाएगी जी, 22 डिग्री। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5, a इज इक्वल टू 20 डिग्री। नेक्स्ट चलते हैं जी हम क्वेश्चन नंबर 6 पे। ए बी सी आर इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल, इंटीरियर एंगल का मतलब होता है एक त्रिभुज के अंतः कोण है जी, ए बी सी के एक त्रिभुज के अंतः कोण है, यानी अंदर के कोण है। क्वेश्चन नंबर आपका है 6, ए बी सी किसी ट्रायंगल के अंदर के कोण है जी। ये ट्रायंगल मान लो, इसका एक कोण ए है, ये कोण बी है, ये कोण सी है। अगर ये तीनों कोण अंदर के है तो मुझे पता है तीनों कोणों का जोड़ कितने डिग्री आएगा, 180 डिग्री है। कोई डाउट यहाँ से, आपको शो क्या करना है जी, आपको शो करना है, यहाँ लिख देता हूँ मैं आपके पास, कि साइन बी प्लस सी बाय टू इज इक्वल टू है कोस ए बाय टू। ये बात आपको क्या करनी है, कोस ए बाय टू, सिर्फ कोस ए के नीचे टू है जी, कोस ए बाय टू, ये बात आपको प्रूव करनी है। सबसे पहले मुझे यहाँ से देखो, बी प्लस सी के बटा बेटो चाहिए, ए प्लस सी के बटा बेटो चाहिए, तो ये इक्वेशन आपको समझ आ गई होगी कि तीनों जोड़ के, तीनों का जोड़ कितना होगा 180। मैंने दोनों साइड दो से डिवाइड कर दिया जी, दोनों साइड, इस साइड भी दो से डिवाइड कर दिया, इस साइड भी किससे डिवाइड कर दिया, दो से काट दिया, कितना आ गया 90 डिग्री आ गया। अब मुझे ये बताओ, ए के बटा भी दो है, बी के बटा भी दो है, और सी के बटा भी दो है, तो मैंने क्या किया, अलग अलग कर दिया, ए बटा दो प्लस बी प्लस सी बटा दो, एलसीएम लोगे वापस दो आ जाएगा, ऊपर एच डी सेम आ जाएगा, इधर कितना है 90। क्यों किया, क्योंकि बी प्लस सी को अलग रखना था, ए बाय टू को अलग रखना था। अब बी प्लस सी को तो मैंने इधर रखा बाय टू को, इसको मैं ले गया 90 माइनस ए बाय टू ले गया। यहाँ तक कोई डाउट जी आपको, यहाँ के बाद मैं यहाँ कर रहा हूँ, ये आपको सिर्फ समझाने के लिए लिखा गया था जी, इसको अब नहीं लिखना आपको, ठीक है। अब एक चीज़ देखो, ये प्रूव करना आपको, ठीक है। अब एक बात देखो, ये हो गया बी प्लस सी, हमें इस साइड क्या चाहिए, सिर्फ और सिर्फ साइन चाहिए जी, क्या चाहिए, साइन। तो लिख लेना टेकिंग साइन ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ क्या लो जी, साइन लेने पर, टेकिंग साइन ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ क्या लेना आपको, साइन लेना। तो यहाँ क्या आएगा, साइन बी प्लस सी बाय टू, यहाँ भी क्या आ जाएगा, साइन 90 माइनस ए बाय टू, ये होगा साइन बी प्लस सी बाय टू,
यहाँ साइन का क्या बन जाएगा, साइन 90 माइनस थिट्टा, ए बटा दो को मैंने थिट्टा मान लिया तो किसके बराबर होगा, कोस, और थिट्टा कितना माना आपने, 1/2, तो ये आ गई आपके पास है, प्रूव हो गया जी। हैंस रोड की साइन बी प्लस सी बाय टू इज इक्वल टू कोस ए बाय टू, यही आपको क्या करना था, प्रूव करना था, ये आपका था क्वेश्चन नंबर 7। नाउ नेक्स्ट चलते हैं जी हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, क्वेश्चन नंबर है 7, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है जी, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है साइन 67 डिग्री, आगे क्या दिया हुआ है, प्लस कोस 75 डिग्री, प्लस कितना दिया हुआ है, कोस 75 डिग्री। आगे देखो जी क्या पढ़ के दे रखा आपके पास है, इन टर्म ऑफ ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, इसको एक्सप्रेस करना है लेकिन एंगल कहाँ से कहाँ के बीच में लेना है, 0 से लेके 45 डिग्री के बीच में रिप्रेजेंट करो, लेकिन यहाँ कितना है 67, यहाँ कितना है 75, 0 से 45 तक आनी चाहिए वैल्यू। साइन का मैंने लिखा, साइन 67 को मैं क्या लिख सकता हूँ बताओ, 90 में से कितना घटाओगे तो 67 बचेगा, तो 90 में से 23 घटा दो 67 बचेगा कि नहीं बचेगा जी, बचेगा। प्लस कोस 75 है, 75 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 90 माइनस 15 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ जी, बोलो 90 में से 15 घटाओगे कितना बचेगा, 75। अब मुझे ये बताओ साइन 90 माइनस थिट्टा, साइन 90 माइनस थिट्टा किसके बराबर होता है, कोस थिट्टा के बराबर, तो कोस कितना हो जाएगा 23। कोस 90 माइनस थिट्टा किसके बराबर होता है, साइन थिट्टा के बराबर, तो साइन कितना हो जाएगा 15 डिग्री, तो कोस 23 डिग्री प्लस साइन कितना हो जाएगा 15 डिग्री, ये आपके पास आंसर हो जाएगा। तो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 8.3 कंप्लीट हो गई है जी, ठीक है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जी, आप इतना सपोर्ट कर रहे हो, लाइक कर रहे हो इस चैनल को, ठीक है जी, सब कुछ आप ही की वजह से है, फिर भी आपकी वीडियो अगर हमारी अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर करें जी, शेयर जरूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जी, उन बच्चों के पास जरूर पहुंचाएं जिनको सच में इसकी ज़रूरत है जी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल फ्री एजुकेशन होती है जी, कोई एक्स्ट्रा पैसा आपसे नहीं लिया जाता, आप घर बैठ के पढ़ सकते हो। और दूसरी बड़ी बात, अगर आपको कोई कमी लग रही है तो यू आर मोस्ट वेलकम, आप हमारी कमी जरूर कमेंट के अंदर लिखें जी, अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ आई है या आपको कहीं लग रहा है कि ये गलत हो गया या जी कुछ हो गया है, ऐसी चीज़ें अगर आपके मन में आए तो आप प्लीज़ बेझिझक कमेंट कर दीजिएगा जी, आपका मोस्ट वेलकम है, ठीक है। इसके साथ साथ अगर आप टेलीग्राम ग्रुप पे भी जुड़ना चाहें तो ज़रूर जुड़ें जी, टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर सर्च कर लीजिएगा, पहले आप टेलीग्राम इंस्टॉल करो, टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर आपका नाम होगा पवन सारन सर से नाम से, ठीक है जी, तो वहाँ पर आप सर्च कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको मिल जाएगा जी, ये वहाँ पे जैसे वीडियो अपलोड होती है उसका लिंक जरूर अपलोड होता है, उसके अलावा एक्स्ट्रा कुछ भी नोट्स वगैरह प्रोवाइड करने हो तो वो प्रोवाइड किए जाएंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।